All I want is some tender love from you, baby. Haunt me up. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सना और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हुरम की दुनिया। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी अल्लाह पाक सबको खुश रखे। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट डे में बताया था कि मुस्तफ़ा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और उसको लेके हम जा रहे थे डॉक्टर के पास, इसलिए ये ब्लॉग मैंने रात को लेट ही स्टार्ट किया। हम लेट नाइट जा रहे थे डॉक्टर के पास ना मुस्तफ़ा को चेक करवाने। मुस्तफ़ा की तबीयत ज़रा काफ़ी ख़राब थी और काफ़ी दिनों से ख़राब थी, इसलिए हमने कहा कि उसको चेक करवा ही लेते हैं। लहंगा पहन के और हम ये क्या करी वहां बैठो। चलो जल्दी करो। और जैसे कि आपको पता है कि जब आप डॉक्टर के पास आते हो तो आपको वेट करना पड़ता है और एज यूजुअल हम वेट कर रहे थे काफी देर से। कौन था यहाँ पे? यहाँ पे हम होते थे। हाँ इधर हम होते थे। चलो और इनको गेम कराया करें, खिलाया करें, कुछ साइकिल ले दें ताकि एक्टिविटी हो। और जैसे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज मौसम इतना खूबसूरत था, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम था और हम लोग मेडिसिन लेकर आए थे और काफ़ी ज़्यादा, जब हम गए थे तब तो इतना अच्छा मौसम नहीं था बट जब हम वापस आए तब तो बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी और कुछ चीज़ें हमने मार्केट से लेनी थी। और एज़ यूजुअल आपको पता है कि जब हुरम हमारे साथ होती है तो हुरम कुछ ना कुछ लाजमी लेती है और मौसम इतना अच्छा था और हमें जब घर से फ़ोन आया कि जी घर की लाइट ही चली गई तो हमने कहा चलो थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव ले लेते हैं, थोड़ा इन्जॉय भी कर लेते हैं। और मुस्तफ़ा जो है वो मेरी गोद में ही सो चुका था तो फिर इमरान ने उसकी कुछ मेडिसिंस वगैरह भी लेनी थी और साथ साथ हम मौसम भी इन्जॉय करते जा रहे थे। यकीन करें इतना मज़ा आता है लेट नाइट जब आप ऐसे इतना अच्छा, और मुल्तान में तो बहुत कम ऐसा होता है कि इतना अच्छा मौसम हो, बारिश हो, और जब हो तो उसको इन्जॉय कर ही लेना चाहिए। और जी यहाँ पे मैं और हुरम वेट कर रहे थे और इमरान लेने गए थे मेडिसिन और काफ़ी ज़्यादा ही देर हो चुकी थी और मुस्तफ़ा मेरी गोद में था और हम लोग फुल इन्जॉय कर रहे थे, मैं और हुरम खास तौर पर। पापा बेटा वो देखो आपके लिए कुछ ले रहे हैं। ओहो देखिए जरा कितना खूबसूरत मौसम है और हम कितना एंजॉय कर रहे हैं ना हुरम। वाओ ब्यूटीफुल वेदर, कितना अच्छा मौसम है। आपके भी बेटा कपड़े गीले हो जाते हैं वो देखो। वाओ। और जी मुस्तफा भी उठ चुका है। कौन पहुंचे जानू? जानू कौन बात है? मेरी जानू भी उठ गई है। मैं छोटी हूँ यहाँ तक छोटी हूँ
मौसम देखिए, ये हमने इधर बैठ के मौसम एंजॉय काफी अच्छा करेगा। और बाबा आ रहे और जी उसके बाद जैसे हम घर है हमें पता था हमारा यूपीएस हो चुका है बंद और यहाँ पे व्लॉग भी मैंने बंद कर दिया। जी उसके बाद नेक्स्ट डे हो चुकी थी, बच्चों को भेजा स्कूल और मौसम काफ़ी अच्छा था। मैंने कहा चलो कुछ प्लांट्स वगैरह को भी देख लेती हूँ और यहाँ पे बच्चे जा रहे थे स्कूल। आपको पता है बच्चों का स्कूल जाने को तो बिल्कुल भी नहीं दिल होता और यहाँ पे बस ये वरीशा का वेट कर रही थी और वरीशा रेडी हो रही थी और मैंने कहा चलो अपने प्लांट्स का कुछ विज़िट कर लूँ, प्लांट्स वगैरह देख लूँ। और जी उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि व्लॉग बनाना है। आज के दिन मैंने जो खाना शाना बनाया वो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया, बस काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। और यहाँ पे देखे हुरम कैसे मेकअप कर रही थी, अब हम जा रहे थे बाज़ार। और जी आज से मैंने स्टार्ट करनी है डाइटिंग और मैंने सोचा है कि सबसे पहले ना वेट मशीन लेके आते हैं, जो वेट करने वाला आपका जो स्केल होता है ना, वेट मशीन जो होती है जिसको वेट मशीन बोलते हैं वो लेके आते हैं। और यहाँ पर मैं इमरान को यही मना रही थी कि सबसे पहले हम वो लेके आते हैं, वेट करते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट होगा। और फिर मैंने कुछ अपनी ये जिम की एसेसरीज़ भी लेनी थी, जिम की मशीन्स वगैरह भी लेनी थी और इंशाल्लाह बस अभी हम जा रहे थे विज़िट करने हैं तो हमने सोचा था कि चलो सब कुछ देख भी आएंगे और सबके रेट्स का आपको आइडिया हो जाता है और कि उनके क्या रेट्स हैं ना। और जब भी आप अपनी ये जिम का भी अगर स्टार्ट करते हैं, जिम में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि अभी मुस्तफ़ा बहुत छोटा है और मैं कैसे जिम जा सकती हूँ, हुरम भी अभी छोटी है, उनको अकेले छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रही हूँ कि घर पर ही अपना जो है ना थोड़ा सा स्टार्ट करूँ अपना वर्कआउट वगैरह, और इसलिए हम यहाँ पे आए थे। देखें विज़िट करें शॉप पे, यहाँ पे क्या सीन है, क्या रेट्स है आजकल मशीन्स का। और सबसे पहले तो हमने आज लेनी थी वेट मशीन और वो तो इंशाल्लाह हम लेके ही जाएंगे, बट बाकी चीज़ों पे भी हमने कहा था नज़र मार लेते हैं कि मशीन्स के क्या रेट हैं। और जैसे कि आपको अंदाजा हो ही गया होगा यहाँ पे हम देख रहे थे रेट्स तो आसमानों को छू रहे थे, इतने ज्यादा रेट्स आए थे कि बस। तो फिर हमने जी आज सबसे पहले ली ये वेट मशीन और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या लिया और क्या लेना है या क्या नहीं लेना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, सी यू।